हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लाया हूँ आपके लिए नया वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये डिश मशीन है। ये जो मेरा साइकिल है, जो इसके अंदर जो डिश मशीन लगा है, इसका पैड जो आप कैसे बदल सकते हैं, इसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें ये दो पैड लगा रहता है। अगर आपका बाई चांस पैड ख़राब हो गया है, और नहीं तो कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप किस तरह से अपने डिश मशीन का पैड बदल सकते हैं, इसके बारे में आज आपको मैं बताऊँगा। पैड बदलना बहुत आसान होता है, ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस आपको ये 5 नंबर का एलन की ज़रूरत पड़ेगा। आप 5 नंबर का एलन की ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। मल्टी टूल एक आता है, वो बहुत ही सस्ता रहता है, उसमें आपको सब तरह का एलन की मिल जाएगा। उससे आप काम कर सकते हैं अपने घर पर ही। फिर आपको मैं बताता हूँ किस तरह से अपने साइकिल का पैड बदलना है आपको। सबसे पहले आपको ये दो बोल्ट दिख रहा है आपको, ये 5 नंबर का एलन की का बोल्ट है। बस आपको इसको पहले खोल लेने का है। इससे कि आपको मैं खोल के दिखा रहा हूँ, कि मैं आगे का बता रहा हूँ, पीछे का भी सेम प्रोसेस रहेगा। अगर आपको ये नहीं मालूम किस तरह से अपने साइकिल में डिश मशीन को इंस्टॉल करना है, तो इसका वीडियो भी आपको मैं आई बटन में दे दूँगा। इसका भी वीडियो मैं बना के रखा हूँ, जिससे कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि मेरा ये एक बोल्ट बाहर आ चुका है। अभी दूसरा बोल्ट भी मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये दोनों बोल्ट को आपको खोल लेने का है, ताकि आपको ये डिश मशीन बाहर आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका पैड बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा पीछे से आपको और लूज़ कर लेने का है। अगर आपका ऐसा वाला नहीं सिस्टम है, अगर आपके पास ऐसा वाला सिस्टम है जैसे आपको मैं फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, तो ये आपको यहाँ का 2 स्क्रू रहेगा। आप वहाँ का 2 स्क्रू आप निकाल लीजिएगा, इसको खोल लीजिएगा यहाँ का 2 स्क्रू, फिर आपका वो पैड बाहर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एकदम अंदर है। अभी किस तरह से निकलेगा ये आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो दो ये पिन है, इसमें एक पिन लगा रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अटैच रहता है इसके मदद से। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसको आपको होल्ड करके बस एक तरह से उठा के आपको पुश करने का। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा बाहर आ रहा है और ये एक मेरा बाहर आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरफ ऊपर उठाया और फिर मैंने धक्का दिया इसको। बस इसी तरह से ये निकल आता है ये। और आपका कुछ अलग भी रह सकता है पैड। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा पैड निकल गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक मेरा पैड निकल गया है और ये दूसरा पैड भी निकल आएगा। ये देखिए, जैसे कि फ्रेंड्स, ये दोनों मेरा पैड निकल गया है। इसका पिन ये इस तरह रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिन, फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, दोनों पैड में निकाल लिए हैं अपने डिश मशीन से। अब इसको एकदम नीट एंड क्लीन करना है मेरे को, तब जाके ये और अच्छा परफॉर्मेंस देगा मेरे को ब्रेक में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ऑयल इसमें पूरा जमा हो चुका है। ऑयल है, मिट्टी है, पूरा इसमें एकदम ये हो गया, पकड़ लिया। इसको अच्छे से साफ़ करना, किस तरह से साफ़ करना उसको भी मैं आपको बताता हूँ। इसको अच्छे से क्लीन करके, अच्छे से घस के फिर से आप लगाएंगे मशीन के अंदर, तो आपका और ज़्यादा पावरफुल ब्रेक लगेगा। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह से मैं अपने पैड को साफ़ कर रहा हूँ, इसी तरह आप भी साफ़ कर लीजिएगा। ये सरफ है, सरफ और ये ब्रश की मदद से आप घस के अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। बस और कोई इसका तरीका नहीं है, एकदम ईजी वे, ईजी एकदम इजी तरीके से आपका पैड को एकदम नीट एंड क्लीन कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एकदम साफ़ कर दिया हूँ और एकदम अच्छा होगा, इसका ब्रेक और अच्छा लगेगा। अब आपको थोड़ा सा इसको गीला करके फिर आपको सरफ लगा देने का इसमें, ये ब्रश से आपको अच्छे से इसको घिसने का है। अगर आपके पास सैंड पेपर है तो उससे भी आप घस सकते हैं। चलो, तो फिर इसको मैं कंप्लीट करके आगे का बताता हूँ किस तरह से इसको इंस्टॉल करने का है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह से एकदम मैं पैड को क्लीन कर दिया हूँ एकदम। अभी इसमें ऑयल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर आपके पास सैंड पेपर है तो इससे और घस देंगे तो और अच्छा रहेगा आपका। मेरे पास सैंड पेपर नहीं था, इसके लिए मैं इसको एकदम अच्छे से सरफ के पानी से साफ किया, एकदम अच्छे से जैसे आपको मैं दिखाया था, और एकदम अभी एकदम परफेक्ट हो गया। अभी आप वापस से इंस्टॉल कैसे करते हैं आपको मैं दिखा देता हूँ।
जो तो फिर आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं कितना ये नीट एंड क्लीन हो गया है। अभी इसको मैं सिर्फ सरफ से धोया हूँ, मेरे पास सैंड पेपर नहीं था। अगर आपके पास सैंड पेपर रहेगा तो आप सैंड पेपर इसको घिस दीजिए थोड़ा सा, और ये और अच्छा से एकदम परफॉर्मेंस आपका देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से ये हो गया साफ। अब इसको किस तरह से इंस्टॉल करने का है वापस से इसका वीडियो, अभी किस तरह से इसको इंस्टॉल करने का है इसके बारे में आगे बताता हूँ आपको मैं। अभी इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है आपको, आप इन दरवाज़ा बंद कर लेना। अभी किस तरह से इंस्टॉल करना है इसको आगे बताता हूँ आपको मैं आगे में। अभी किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है अपने पैड को वापस से डिस मशीन में आगे बताता हूँ आपको। चलो दोस्तों आपको इंस्टॉल करके बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पिन है, ये पिन को आपको इस सेंटर में रखना है सबसे पहले, और इसको ऐसे दबा देने का। ये पीछे ऐसे लॉक हो जाएगा ना आपका, तो ये एक पिन लग गया। फिर आपको वापस से इसको इस तरह से रखने का, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको इसके अंदर आपको डाल के इसके अंदर भी आपको इस तरह लॉक कर देना है, ताकि आपका ये दोनों लॉक हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इस तरह से लगेगा दोनों ही पिन। अगर आपका पिन थोड़ा अलग रहेगा तो वो भी सेंटर में बैठेगा, अगर आपका मैग्नेट वाला रहेगा तो सीधे आपका मैग्नेट उसमें चला जाएगा। इसमें मैग्नेट वाला भी आता है, उसका भी वीडियो में बता दूंगा किस तरह से वो लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों को पकड़ के आपको इसके अंदर डाल देने का। सो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये वाला पैड ले लेने का है, और इसके अंदर ये साइड वाला डाल देने का आपको, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला डाल के आपको ये इसमें लग जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक लग गया, एक फंस गया है। वापस से इसको आपको दूसरा ले लेने का है, जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरा है, इसको भी इस तरह से आपको डाल देने का है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों साइड का ये चला गया। अभी आपको पिन लगाने का है, पिन लगाने के लिए आप पीछे से लगा सकते हैं पिन को। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पिन है हाथ में, आपको इसको दोनों फोल्ड करके इसके बीच में सेंटर में डाल देने का है, तो ये आप फंस जाएगा आपका। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको मुश्किल जाएगा, एक दो बार में आपका लग जाएगा। पर तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा पैड लग चुका है। अब इसको आपको साइकिल में लगा देना है वापस से, या आप अपना बोल्ट ले लीजिए, बोल्ट लगा दीजिए अच्छे से जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। दोनों बोल्ट को फुल टाइट कर दीजिएगा 5 नंबर के लेंके की मदद से, जैसे कि आपको मैं दिखा दिया हूँ किस तरह से अपना पैड निकाल के आपको अच्छे से क्लीन कर देना है, ताकि आपका इससे ब्रेक और अच्छा लगेगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छे से। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।